नमस्कार, मैं विवेक महतवा, मेरा हार्दिक नमन आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने कार्यक्रम जिसमें हम मन के विषय में चर्चा करेंगे। हमने अपने पिछले 3 वीडियोस में हमने जाना कि मन क्या होता है, कहाँ होता है, कैसा होता है, ये कैसे काम कर रहा है और इसके ऊपर किन लोगों ने बहुत विश्लेषण किया है और रिसर्च की है इसके ऊपर। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको डॉक्टर भास्कर व्यास के बारे में बताया था कि उन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी और एक किताब भी लिखी है जो कि पूरी मन के ऊपर है और जो मन के साथ हम जो पद्धति करते हैं, जो थेरेपी करते हैं, जिसे हमने हिप्नोसिस का क्लिनिकल हिप्नोसिस का नाम दिया है, उसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी है। और डॉक्टर भास्कर व्यास एक प्लास्टिक सर्जन है, उनकी वाइफ भी उनके साथ हैं, उन दोनों ने मिलकर बहुत कार्य किया है इसके ऊपर जो कि बहुत ही सराहनीय है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और उन्हीं की कई सारी चीजों को उनके द्वारा सिखाए हुए मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि मन किस प्रकार से काम करता है, इसमें और विस्तार से बताता हूँ मैं आपको। आज हमने क्लासरूम में बैठे हुए इस वीडियो को आपके लिए बना रहे हैं और कुछ चित्र आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। आइए मैं उनके माध्यम से आपको सिखाता हूं कि मन कैसे काम करता है और किस लिए हम किसी भी कार्य को बार बार करते हैं और किस लिए किसी कार्य को हम नहीं करते हैं। इसके विषय में ये देखिए, यहां पर ये देखिए कि ये हमने एक गोला बनाया है जिसको हमने बताया कि मन किस तरीके का होता है। अब इस गोले में ऊपर का हिस्सा जो कि मात्र 15% है, ये हमारा कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड है जो कि मात्र 15% है, और जो नीचे का हिस्सा ये सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड है जो कि पूरा 85% है, जो कि 85% हिस्सा है। और सारी चीजें, सारे दुनिया का ज्ञान, विज्ञान, सभी बातें इसी के अंदर है। कोई भी चीज, आप चाहे हवाई जहाज की बात कीजिए, चाहे आप एक सुई बनाने की बात कीजिए, सारा ज्ञान विज्ञान इसके अंदर भरा हुआ है और ये ही पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड है, यहीं से हम सब कुछ जान और सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इसके विषय में आपको और विस्तार से कभी बाद में बता पाऊंगा, क्योंकि आज मैं आपको मन काम कैसे करता है वो मैं आपको बताऊंगा। हम इंफॉर्मेशन अपनी 5 इंद्रियों से अपने अंदर हमारे कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड में जाती है, कैसे? विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, गैस्ट्रो और ऑल्फैक्टरी, मतलब हमारे देखने से, हमारे सुनने से, हमारे त्वचा पर जो प्रभाव पड़ता है उससे और हमारे सूंघने की शक्ति से हम सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लेते हैं। और हाँ, हमारे अंतर मन से भी, सबकॉन्शियस से भी कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है जो कि हमारे कॉन्शियस लेवल माइंड पे इकट्ठी होती चली जाती है। और जब भी हम रेस्ट करते हैं, रेस्टिंग सिचुएशन में होते हैं, या हम सो रहे होते हैं, या आपको मैंने पहले ही बताया कि जब हम उबासी लेते हैं, आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठ जाते हैं, तो हमारा जो माइंड का एक पार्ट होता है जो कि क्रिटिकल लेवल ऑफ पार्ट होता है, जो एक बैरियर क्रिएट करके रखता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के अंदर, जिससे कि कोई भी बात डायरेक्टली सबकॉन्शियस को हिट ना करे, वो बैरियर हट जाता है और कॉन्शियस लेवल से सारी की सारी बातें, इंफॉर्मेशन नीचे सबकॉन्शियस में आना शुरू होता है और पेन और प्लेजर के अंदर अलग अलग बढ़ जाती है, पेन या प्लेजर। अब मैं आपको बताता हूं कि अक्सर अगर हम जब भी पूछते हैं कि वेयर इज माइंड, तो लोगों का जवाब होता है देयर इज माइंड, नो दिस इज नॉट माइंड, ये हमारा माइंड नहीं है, हमारा ब्रेन है। ब्रेन एक प्रोसेसर है जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करता है, पहुंचाता है कहीं से लेता है, कहीं पहुंचा देता है। कैसे काम करता है, ये इतना तेज होता है। देखिए, ये एक ब्रेन है एक व्यक्ति का, आंख से उसने सांप देखा, सांप देने के बाद ब्रेन में इंफॉर्मेशन पहुंची कि ये सांप जैसी कुछ चीज है। कहां से, अब वो कैसे पता लगेगा सांप है? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम हर एक चीज को अलग अलग भाषा बोलते हैं। मैं हिंदी में सांप बोल रहा हूं, अंग्रेजी में स्नेक, किसी चाइना में कुछ और बोलेंगे, कहीं ना कहीं अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ब्रेन में सीधा इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, इंफॉर्मेशन ब्रेन से माइंड को पास जा रही है, माइंड से वो चेक कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, फिर इस ऑब्जेक्ट से मुझे
थ्रेट है या इस ऑब्जेक्ट से मुझे कुछ फायदा है, पेन है कि प्लेजर है, वो भी चेक कर लेता यहीं से। जैसे अगर कोई इंडियन व्यक्ति होता तो वो सांप देख के डरेगा, क्यों? क्योंकि उसको सांप से पेन है, सांप से उसने पेन ही पेन इंफॉर्मेशन दे रखी है और सांप से डर के भागेगा, अपने आप को बचाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई चाइनीज व्यक्ति होगा, आप देखिए चाइना में सांप खाए भी जाते हैं, तो उसको पता लग जाएगा कि सांप कितना स्वादिष्ट है, उसके अंदर कितना क्रेज आ सकता है, तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। देखिए एक ही सांप है, आप देख रही है ब्रेन इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करा रहे हैं, उसको माइंड से कनेक्ट करके चेक कर रहा है, फिर इंफॉर्मेशन ब्रेन ऐसे केमिकल रिलीज कर रहे हैं कि बॉडी उस इंफॉर्मेशन के ऊपर काम कर सके, रिएक्ट कर सके। तो ये ब्रेन बॉडी और माइंड का आपस में एक कनेक्ट है, एक कॉम्बिनेशन है, जिससे कि पूरा सिस्टम हमारा काम करता है। वही माइंड क्या करता है, इसके अंदर माइंड आपको ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन दे देता है कि ये कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ये मेरे लिए पेनफुल है या प्लेजरेबल है। अगर पेनफुल है तो मैं उससे बचूंगा, और अगर ये प्लेजरेबल है तो मैं उसका साथ दूंगा, उसको बार बार करूंगा उसका। देखिए मैंने आपको ये जो बताया, आम तरीके से अगर आप समझना चाहें तो मन के काम करने की यही प्रक्रिया है। इसीलिए किसी भी काम को हम बार बार करना चाहते हैं, वो काम जो कि चाहे वो हमारे नुकसान देख ना हो या हमारे लिए फायदे के लिए क्यों ना हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत सारा एडिक्शन के ऊपर काम किया है, जो लोग एडिक्टेड होते हैं उनके ऊपर मैंने काफी काम किया है। अगर कोई व्यक्ति बार बार शराब पीता है, इसका मतलब उसने शराब को अपने प्लेजर के साथ एसोसिएट कर लिया है, जोड़ लिया है, और वो जब तक उसके प्लेजर के साथ एसोसिएट रहेगी वो बार बार उसको पीता रहेगा, बार बार उसकी तरफ जाता रहेगा। अगर यही चीज पेन के साथ है, देखिए हम इलेक्ट्रिसिटी को हम कभी भी जाके डायरेक्टली टच नहीं करते, कारण क्योंकि हमें बचपन में ही पता लग जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी को टच करते ही इतना तेज झटका लगता है कि हमारे सारे के सारे शरीर और अंदर की आत्मा तक हिल जाती है, इसलिए हम कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली टच नहीं करते। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी के साथ एसोसिएशन किस चीज का है, पेन का है, कि वो अगर हम उसको डायरेक्टली टच करेंगे तो हमें पेन मिलेगा। लेकिन हमारे देश में एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कि हाई वोल्टेज करंट्स को दोनों हाथों में ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने मुंह में बल्ब रख के जला लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर प्लेजर में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए वो ऐसा कर पाते हैं। तो साधारण तौर पर हम समझें कि पेन और प्लेजर का सिस्टम है जो माइंड से हमारे अंदर हमेशा रहता है, लिखा हुआ है हर चीज के लिए, हर बात के लिए, हर इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास वहां पर है। अब देखिए हमने खाली बात की कॉशियस और सबकॉशियस या अनकॉशियस की, लेकिन कार्ल जंग ने एक रिसर्च में सबकॉशियस के बाद भी और कई सारे तल बताए हैं जो कि माइंड के अलग अलग 7 तलों में बांटा गया है। इसके विषय में हम और चर्चा कभी आगे करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे को कमेंट देके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें और आप क्या बदलाव चाहते हैं या और क्या नई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इसके साथ, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं या हमारे से कोई भी सवाल जान सकते हैं। हमारे नंबर्स नीचे दिए गए हैं, इन पे आप फोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं।